सुल्तानपुर पुलिस ने किया कारनामा। आबकारी अधिनियम में कटा चोर का चालान। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। जयसिंहपुर कोतवाली पर लगा बड़ा आरोप। सुल्तानपुर से पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां पुलिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने चोरी के आरोप को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया और आरोपी का चालान भी काट दिया। आरोप लगाते हुए पीड़ित का कहना है कि उनकी दुकान से चोरी हुई, चोर पकड़ा भी गया, लेकिन उनकी तहरीर के हिसाब से कार्रवाई ना करके अलग ही मामला दर्ज कर दिया गया। ये पूरा मामला जयसिंहपुर कोतवाली के सिमरी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ अम्बेडकर नगर में रहने वाले मनोज कुमार पांडे ने एसपी से एक मामले की शिकायत की। पीड़ित का कहना है कि जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के कीलापुर मोड़ पर उनकी किराने की दुकान है। बीती 10 तारीख को उनकी दुकान में चोर दाखिल हुए और सामने रखे गेहूं के दो बोरों को पार कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लिहाजा वो आरोपियों को पहचान रहे थे। उन्होंने 11 मार्च की शाम को सेमरी बाजार में गेहूं बेचते समय एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे सेमरी पुलिस चौकी के सिपाही संदीप यादव को सौंप दिया। पीड़ित का आरोप है कि 12 तारीख को उन्होंने तहरीर दी, लेकिन उनकी तहरीर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि पुलिस ने आरोपी का शराब की तस्करी में चालान काटा और जेल भेज दिया। मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है, जो कि मेरी दुकान कीलापुर मोड़ जयसिंहपुर थाने के अंतर्गत है। मेरे यहाँ 10 तारीख की रात को गेहूं की चोरी हुई थी दुकान से, जिसको 11 तारीख को हमने गेहूं के साथ चोर को हमने बरामद किया और चौकी सिपाही संदीप यादव को हमने फ़ोन करके सूचना दिया। संदीप यादव ने आए और उस चोर को पकड़कर थाने पर मेरे साथ लेकर आए, जिसके बाद 11 तारीख को थाने पर हमने उसको चोर को किया। 12 तारीख को हमने सुबह तहरीर दिया, लेकिन मेरी तहरीर को नज़रअंदाज करते हुए उसको थाने द्वारा शराब की तस्करी में उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मनोज ने प्रार्थना पत्र के जरिए एसपी से शिकायत करते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की है। साथ ही साथ दूसरी ओर इस बाबत जयसिंहपुर सीओ का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, लिहाजा अब उन्हें जानकारी मिली है और इस पर जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।